हाय, अपने घर में प्लांट्स लगाना, गार्डनिंग करना, गार्डन को सेटअप करना, ये सब बहुत इजी है। बिलीव मी, ये बहुत इजी है। अगर आपने हाल ही में गार्डनिंग की शुरुआत की है या आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन आपके प्लांट्स उतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को करने का सही तरीका होता है। अगर स्टार्टिंग में ही कोई आपको सही तरीके से गाइड कर दे कि आपके घर के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाले प्लांट्स पनपेंगे, मतलब इतनी धूप में ये वाले प्लांट रखने चाहिए या किस तरीके से और कब पानी देना चाहिए, कौन सी खाद कब देनी चाहिए, ये सारी बातें अगर कोई आपको शुरुआत में ही बता दे तो आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और आपका भी गार्डनिंग में मन लग जाएगा। गार्डनर्स गाइड ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गार्डनिंग सिखाऊंगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि गार्डन सेटअप करने के पहले क्या क्या देखना चाहिए, कौन से प्लांट कितनी धूप में रखने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर वन, अगर आपने आज तक एक भी प्लांट नहीं लगाया है और आज आपने डिसाइड किया है कि मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो शुरुआत सिर्फ दो प्लांट से करिए। प्लीज़ 10, 12, 15 प्लांट्स एक साथ मत लाइएगा, क्योंकि शुरुआत में हम सब कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। ऐसा ना हो कि एक मिस्टेक हो और सारे प्लांट एक साथ ख़राब हो जाए। तो शुरुआत में दो प्लांट्स लाइए, उनको आपके घर पे एडजस्ट होने दीजिए, आपको उनके साथ एडजस्ट होने दीजिए। उसके 15-20 दिन बाद दो प्लांट्स और लाइए, तो धीरे धीरे आपको प्लांट्स बढ़ाने हैं। कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं उगता, ये बात यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से फिट होती है। तो शुरुआत करनी है दो प्लांट से। पॉइंट नंबर टू, अगर आपने आज डिसाइड किया कि मुझे प्लांट्स लगाने हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास बड़ी सी टेरेस नहीं है या मेरे पास बड़ी सी बालकनी नहीं है या मेरे पास ग्राउंड में जगह नहीं है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास खिड़की है, विंडो है और विंडो में कुछ प्लांट्स रखने की जगह है तो आप वहाँ पर रख सकते हो। विंडो में जगह नहीं है रखने की तो आप हैंग कर सकते हो। वहां नहीं जाओ तो आप अपने गेट के एंट्रेंस पे प्लांट रख सकते हो, स्टेयर्स पे प्लांट रख सकते हो। कहीं नहीं रख सकते हो तो आप घर के किसी भी कोने में, फ्रिज के बगल में भी प्लांट्स रख सकते हो। हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग प्लांट्स बने हुए हैं। प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं अगर उनको सही कंडीशन के साथ रखा जाए, लेकिन बिल्कुल डार्क रूम में जहाँ पर अंधेरा है आपको वहाँ पे प्लांट नहीं रखना है। सनलाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ के लिए और इसे इग्नोर नहीं करना है। सो पॉइंट नंबर टू ये है कि आप हर कंडीशन में प्लांट रख सकते हो, बस अंधेरे में प्लांट को नहीं रखना है। पॉइंट नंबर थ्री, हर एक प्लांट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सारे प्लांट्स को हम एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत कम सनलाइट की ज़रूरत है, उनके ऊपर डायरेक्ट एक घंटे की धूप भी पड़ रही है तो उनके लिए काफ़ी है। जैसे सिंगोनियम हो गया, एक्लोनिमा है, इनके लिए काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा 6-7 घंटे कड़क धूप में इनको रखेंगे तो शायद ये स्ट्रेस में आ जाएंगे। सेम ऐसा ही है गुड़हल के साथ। गुड़हल को अच्छी धूप चाहिए, एटलीस्ट 4-5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ 1 घंटे की धूप दोगे तो हो सकता है कि अच्छे से ग्रोथ तो करे, पत्तियां वत्तियां तो ठीक रहे, लेकिन वो उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा, उतने सारे फूल नहीं आएंगे उसमें। तो जैसे तुलसी जी हैं, अगर आपकी बैल्कनी में धूप नहीं आती है फिर भी आपने तुलसी जी को रखा है तो कुछ दिन तो वो ठीक रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो उनको धूप की बहुत ज़रूरत है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट करने के पहले आप थोड़ा सा सर्च करिए, आप चेक करो कि आपको जहाँ भी प्लांट रखना है वहाँ कितनी देर की धूप आती है। धूप नहीं आती है तो उसके लिए भी प्लांट है, 1 घंटे के लिए भी प्लांट्स हैं, 2 घंटे की धूप आती है तो उसके लिए भी प्लांट्स हैं। बट थिंग इज दिस कि आपको सही प्लांट सही जगह पे रखना है। पॉइंट नंबर फोर, वैसे तो इतने सारे प्लांट्स हैं कि उन सबको इस वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे भी बिल्कुल नई नई वैरायटी के प्लांट्स मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट कॉमन हाउस प्लांट्स हैं जो लोगों के घर में जनरली मिल जाते हैं, मैंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर सनलाइट। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस प्लांट को आप कितनी देर की धूप में रख सकते हो। सबसे पहले मैंने वो वाले प्लांट्स रखे हैं जिनको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखोगे आप तो चलेगा, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए,
रोशनी होनी चाहिए लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी तो भी चलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बालकनी में धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो उनको ये वाले प्लांट्स लगाने चाहिए। एक्लोनेमा, मॉन्स्टरा, एरिका पाम, मनी प्लांट, सिंगोनियम, डम्पकेन, सेंसेवेरिया, इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं, जीजी प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट। अगर आप इनको अर्ली मॉर्निंग की एक घंटे की या डेढ़ घंटे की धूप में रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ बिना सनलाइट के ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी में मैंने वो वाले प्लांट्स रखे हैं जिनको एक से लेके तीन घंटे की धूप में आप रख सकते हो, मतलब दो घंटे की धूप अगर आपके एरिया में आती है तो आप इन प्लांट्स को रखिए। कैलेडियम, लकी बैम्बू, जेट प्लांट, एलोवेरा, ऑल सकलेंट्स, ये जितने भी सकलेंट्स होते हैं ना, जैसे जेट प्लांट है, एलोवेरा है, इच्छेवेरिया है, ये जितने भी सकलेंट्स हैं इनको आप दो तीन घंटे की और उससे ज़्यादा जितनी भी धूप दोगे अच्छा है। सदाबहार, करी पत्ता, करी पत्ता एक ऐसा प्लांट है आप जिसको जितनी धूप दोगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ तीन घंटे की अच्छी धूप भी आती है आपके यहाँ तो आप इसको रख सकते। क्रिसमस ट्री, डेविल्स बैकबोन, क्रोटॉन, अगेन क्रोटॉन को धूप चाहिए, दो ढाई तीन घंटे की धूप दे दो आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ड्रेसिना और जितने भी हर्ब्स हैं जैसे कि धनिया हो गई, पालक हो गई, इन सब को आप उगा सकते हो अगर आपके एरिया में सिर्फ इतनी एक से तीन घंटे की धूप आए। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में मैंने उन प्लांट्स को रखा है जिनको चार घंटे या चार घंटे से ज़्यादा की धूप चाहिए। इसमें आते हैं पोर्टोलाका, रोज, मैरीगोल्ड, तुलसी, शमी, हिबिस्कस यानी गुड़हल, क्लिटोरिया, अपराजिता, बोगनवेलिया, पारिजात, टमाटो, चिली, ब्रिंजल और जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स हैं ना, उनको एटलीस्ट चार घंटे की धूप ज़रूरी है। अगर आप दो घंटे की धूप दे रहे हो तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, ग्रोथ रुकेगी नहीं, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, तो इनको फुल सनलाइट चाहिए। पॉइंट नंबर 5, आपका घर ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, इससे गार्डनिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ईस्ट फेसिंग वाले जो घर हैं वो गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग की धूप मिल जाती है प्लांट्स को, झुलसते नहीं है प्लांट, लेकिन सर्दियों में इनको धूप कम मिलती है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैटर ये करता है कि अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है लेकिन उसके सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है और आपके बालकनी पे या छत पे धूप नहीं पड़ती है, तो ईस्ट फेसिंग वेस्ट फेसिंग का कोई मतलब नहीं है। सो आपको बस ये देखना है कि आपके एरिया में आपने जहाँ भी प्लांट रखना है उसमें कितनी देर की धूप आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज़ आपके यहाँ सिर्फ दो घंटे की धूप आती है तो गर्मी में वो दो घंटे की धूप कितने बजे आ रही है। अगर एक बजे दो बजे गर्मी में मई जून में जो धूप पड़ती है वो बहुत तेज़ होती है, वो प्लांट्स को जला देती है। तो अगर कैलेडियम या क्रोटॉन आपने दो घंटे के हिसाब से रखे हैं और मई जून की एक दो बजे की धूप पड़ रही है तो आपको उन प्लांट को थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको अपनी जगह के अकॉर्डिंग सही प्लांट का चुनाव करना है। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि जिस भी प्लांट को आप लगाना चाहते हो उसको कितनी देर की सनलाइट चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पानी देने का सही तरीका क्या है, सवेरे देना है या शाम को देना है, कब देना है, कैसे देना है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye-bye.